Assalamualaikum friends, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन के बटन को क्लिक कर दे और बेल आइकन को ऑन कर ले। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसो का मतलब होता है सेम, एंड मेट्रिक कहते हैं लेंथ, यानी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें लेंथ सेम रहती है, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हमारी मसल की लेंथ ज्यादा नहीं होती। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा रहे मगर हमारी जो मसल की लेंथ है वो सेम रह रही है। इस तरह पुशिंग द वॉल, जब हम दीवार को पुश करते हैं तो हमारे जो डिस्टेंस है वो जीरो है मगर हमारी फोर्स है, और जो वर्क का फार्मूला होता है उसमें अगर डिस्टेंस जीरो है तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में आता है। अब हम देखते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज जिसके अंदर हमारी मसल की लेंथ चेंज होती है उन्हें हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। इसके अंदर सेंट्रिक और ईसेंट्रिक दो एक्सरसाइज होती है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है शॉर्टनिंग होना और ईसेंट्रिक का मतलब होता है लेंथनिंग होना। आइसोटोनिक के अंदर वो सारी एक्सरसाइज आती है जिसके अंदर हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिसके अंदर हमारा मसल शोर होता है और लेंथ होता है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस, ऐसी एक्सरसाइजेस जो हम मशीन के साथ करते हैं, जो हम किसी इक्विपमेंट के साथ करते हैं, जो एक तो कांस्टेंट होती है, जो हमें पता होती है कांस्टेंट स्पीड होती है और कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, जिम वगैरह में करते हैं। मेरा ये वीडियो के लिए फायदेमंद साबित होगी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।